जी, मेरा सवाल खाने के ताल्लुक से है। जैसे अगर कोई खाना बनाया जा रहा है उस तेल में जिसमें जिसमें हलाल मीट नहीं पका हो, तो उस तेल में अगर खाना पकाया जाए तो क्या वो खाना हलाल होगा? ये है मेरा सवाल। जनरली जो नॉन मुस्लिम भाई का होटल्स में सवाल पकता ये है। है कि अगर किसी तेल में हराम मीट पकाया गया तो फिर क्या दोबारा उस तेल को इस्तेमाल करके हम खाना बना सकते हैं कि नहीं? मेरे भाई, हराम मीट की दो किस्में हो सकती हैं। एक हराम मीट तो वो है जो फी नफ्स ही हराम है, जैसे कुत्ते का गोश्त, खिंजीर का गोश्त, या कोई मुर्दार जानवर का गोश्त, तो ये तो फी नफ्स ही हराम है। अगर ऐसे जानवर का गोश्त तेल में पकाया गया है तो जाहिर है उस गोश्त के अज्जा उस तेल के अंदर मिल चुके हैं। तो जब वो मुर्दार हराम है, नजिस है, तो वो नजिस चीज उस तेल के अंदर भी मिल गई, लिहाजा उस तेल का इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। लेकिन हराम की दूसरी शक्ल ये है कि वो गोश्त फी नफ्स ही हराम नहीं है, बल्कि किसी उसके हासिल करने के तरीके ने उसे हराम बना दिया है। जैसे आप कहीं से गोश्त चुरा लाए, फर्ज कीजिए कोई आदमी कहीं से गोश्त चुरा के ले आया, वो हलाल गोश्त था लेकिन चुरा के लाया, तो चुराया हुआ गोश्त भी हराम है, लेकिन वो गोश्त फी नफ्स ही हराम नहीं है, उस आदमी के लिए हराम है चुराने की वजह से। अब अगर वो गोश्त बनाया जा रहा है तो वो तेल नजिस नहीं होगा, वो तेल हराम नहीं होगा, उसको कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर गोश्त इस वजह से हराम है कि वो गोश्त फी नफ्स ही उसके अंदर कुर्मत है, तब तो वो तेल नजिस हो जाएगा। जैसे खिंजीर का गोश्त, कुत्ते का गोश्त, या जो भी गैर माकूल लहम जानवर हैं जिनका गोश्त खाना हराम है, उनका गोश्त, या कोई मुर्दार गोश्त, इस तरह का गोश्त है तो उसमें अगर तेल में पकाया गया है तो उस गोश्त के अज्जा उस तेल में मिल गए, तो अब वो तेल भी नजिस हो गया, हराम हो गया। लेकिन अगर वो गोश्त फी नफ्स ही हलाल है, उसके कमाने के तरीके के वजह से, हासिल करने के तरीके के वजह से हराम हुआ है, तब वो उस तेल का इस्तेमाल करना जायज होगा। जी, मैं झटके वाले गोश्त के बारे में बात कर रहा था, जो झटके में बनता है वो, हाँ, उसके बारे में बता। तो झटके वाला गोश्त मैता है, मुर्दार है। जो झटके वाला गोश्त हमारे यहां जिसको झटका वाला बोलते हैं, वो मुर्दार है, वो नजिस है, वो नजिस है और वो हराम है। वो अगर किसी खाने में मिल गया तो वो जिस चीज के अंदर मिलेगा वो चीज हराम हो जाएगी।